हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स नाउ टुडे इज योर इंग्लिश क्लास एंड आवर सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस क्लास नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द ऑल सिलेबस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड फॉर टुडे आज से हम इंग्लिश का रिविज़न स्टार्ट करेंगे

इस चैप्टर के अंदर हमने ब्राह्मी और जयकाल के बारे में और ब्राह्मी जयकाल और टाइगर के बारे में एक स्टोरी रीड की थी जिसके अंदर टाइगर एक कैच के अंदर पकड़ा जाता है पिंजरे में कैद हो जाता है और हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्राह्मण उसे पिंजरे से निकालता है और जयकाल किस तरह से ब्राह्मण की हेल्प करता है द क्वेश्चन नंबर वन सेव द ब्राह्मीण लाइफ ब्राह्मीण की लाइफ को बचाने में कौन हेल्प करता है नाउ द आंसर इज जयकाल सेव द ब्राह्मी लाइफ ब्राह्मीण को बचाने में जयकाल उसकी हेल्प करता है क्वेश्चन नंबर टू वॉट डिड द जयकाल से द ब्राह्मीण लुक्ड लाइक जयकाल ने क्या कहा था जयकाल ने ब्राह्मण से क्या कहा था कि ब्राह्मीण किसके जैसा दिखाई दे रहा था अ फिश आउट ऑफ वॉटर जयकाल ने ब्राह्मीण से कहा कि तुम बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसा जैसा एक मछली जैसी एक पानी में से बाहर निकाली हुई मछली दिखाई देती है तुम बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड द टाइगर नीड हेल्प टाइगर को हेल्प की जरूरत क्यों थी बिकॉज द टाइगर वॉज कॉट इन द कैच टाइगर को हेल्प की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वह पिंजरे के अंदर कैद हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वॉट डिड द जयकाल डू वेन द टाइगर जम्पड बैक इन टू द कैच इन द एंड जब स्टोरी के एंड में टाइगर पिंजरे के अंदर जम्प कर देता है तब जैकाल क्या करता है द जयकाल डेक्सली शट द डोर ऑफ द कैच वेन द टाइगर जम्प बैक द दैच इन द एंड स्टोरी के एंड में जब टाइगर फिर से पिंजरे के अंदर जंप करता है तब जयकाल चतुरता से बुद्धिमानी से उस पिंजरे के डोर को पिंजरे के दरवाजे को बंद कर देता है और टाइगर फिर से पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम चैप्टर नंबर टू इट कु नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर टू इट हैपन से लिए गए हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था कि किस तरह से अचानक से पूरी दुनिया जो है वह ब्लू कलर में वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है बट एक बर्ड ब्लू जे नाम का जो एक बर्ड होता है वह ब्लू में ही रहता है वह वॉयलेट कलर में चेंज नहीं होता है और इसलिए उसको पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है और फिर लास्ट में किस तरह से जब उस ब्लूज़े नाम के बर्ड को फ्री कर दिया जाता है तब पूरी दुनिया फिर से अपने रैनबो को अपने इंद्रधनुष के जो कलर्स होते हैं अलग अलग उन्हें वापस से हासिल कर लेती है लेट्स रीड द क्वेश्चन आंसर्स नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वन डे वॉट हैपन ओवर एक दिन रातों रात अचानक से क्या हो गया था वन डे ओवर नाइट द वर्ल्ड टर्न वॉयलेट एक दिन अचानक से पूरी दुनिया वॉयलेट कलर में बदल गई थी वॉट कलर डिट द वर्ल्ड टर्न इन टू वन ईयर आफ्टर इट टर्न वॉयलेट जब पूरी दुनिया वॉयलेट कलर में बदल गई थी तब उसके ठीक एक साल के बाद फिर से दुनिया कौन से कलर में बदली इट टर्न येल्लो पूरे वन ईयर के बाद पूरी दुनिया फिर से येल्लो कलर में बदल गई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट डिड नॉट टर्न वॉयलेट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया की तरह ऐसी कौन सी चीज थी जो पूरी दुनिया की तरह वॉयलेट कलर में नहीं बदली थी नाउ द आंसर इज ब्लू जे डिड नॉट टर्न वॉयलेट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्लू जे नाम का जो बर्ड था वह पूरी दुनिया की तरह वॉयलेट कलर में नहीं बदला था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हाउ डिड द वर्ल्ड गेट बैक इट्स रेनबो ऑफ कलर्स दुनिया ने फिर से अपने इंद्रधनुष के कलर्स को रेनबो के कलर्स को फिर से कैसे हासिल किया अपना रंगों का इंद्रधनुष वापस से पूरी दुनिया ने कैसे पाया द वर्ल्ड रिगेंट इट्स रेनबो ऑफ कलर्स द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर समबडी लेट द ब्लू जे आउट ऑफ हिस कैच जब किसी ने ब्लू जे बर्ड को पिंजरे से बाहर जाने दिया। जैसे ही उसे स्काई में फ्लाई करने के लिए फ्री, फ्री कर दिया, वह आसमान में उड़कर चला गया। उसी दिन की अगली सुबह में पूरी दुनिया ने अपने रंगों का इंद्रधनुष फिर से हासिल कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल रिएक्ट वेन दे रियलाइज दैट द वर्ल्ड है ओवर uh, नाइट। जब दुनिया के लोगों को यह पता चला कि पूरी दुनिया वायलेट कलर में बदल चुकी है तब लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया पीपल सैट अराउंड लुकिंग एट वन अनादर वंडरिंग इफ दे वर Dreaming when they realized that the world had turned violet overnight जब लोगों को यह पता चला कि पूरी दुनिया रातोंरात वायलेट कलर में बदल चुकी है तब वह एक दूसरे के चारों ओर वे बैठकर अपने चार एक दूसरे के साथ बैठकर अपने चारों तरफ आश्चर्य से देखने लगी और वे ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये कोई सपना है कोई ड्रीम है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री द हर्क्यूल एंड इन दैट चैप्टर वी रेड दैट हाउ डिड हर्क्यूल ब्रिंग द गोल्डन एप्पल्स फ्रॉम हाइब्रिड्स एंड हाउ डिड ही फाइट द प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ हाइब्रिड्स उस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था की कि किस तरह से हार्क्यूल हाइब्रिड्स से गोल्डन एपल्स लेकर आता है और उसकी रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स आती है वह उनसे किस तरह से फाइट करता है ना क्वेश्चन वेड द किंग आज हार्क्यूल टू गैट राजा ने हर्क्यूल से क्या लाने के लिए पूछा द किंग आज हर्क्यूल टू गैट हिम गोल्डन एप्पल फ्रॉम हाइब्रिड्स राजा ने हर्क्यूलस से हैब्रिड्स से गोल्डन एप्पल्स सुनहरे एप्पल लाने के लिए पूछा नेक्स्ट हाउ डिड द हर्क्यूलस मैक द जाइंट विक हर्क्यूलस ने जाइंट को दैत्य को किस तरह से कमजोर बनाया अपने हाथों में ऊपर की तरफ ही पकड़े रखा उसे नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया और इस तरह से जाइंट कमजोर और कमजोर बनता गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द किंग अबोर हर्क्यूलस राजा हर्क्यूलस से क्यों नफरत करता था उसे हेट क्यों करता था द किंग अबाउट हर्क्यूल एज हर्क्यूल वॉज स्ट्रांग ब्रेव क्लेवर एंड एन इंटेलिजेंट मैन एंड ही फियर दैट द पीपल वुड मैक हर्क्यूल द किंग इन हिज प्लेस राजा हर्क्यूलस से नफरत करता था उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि हर्क्यूलस स्ट्रॉग ब्रेव क्लेवर और इंटेलिजेंट यानी बहादुर चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था एंड ही फियर और राजा को यह डर था कि कहीं लोग वहां की जो जनता है वह को उस राजा की जगह उस जग, उस प्लेस का राजा न बना दे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु डेड हार्क्यूलस मीट इन द फॉरेस्ट जंगल में जब हर्क्यूलस हाइब्रिड उसे गोल्डन एप्पल्स लेने जा रहा था तब उसे जंगल में कौन मिलता है

check in our next classes